ये मैं थोड़ा सा इसको नया लुक देने की कोशिश कर रही हूँ, इसको नया शेप देने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसे मैंने दो एक और बना रखे हैं। पानी से ही सबसे ज़्यादा ख़राब होते हैं, वरना इनमें कोई दिक्कत नहीं आती। इसको मैंने थोड़ा ट्री शेप में इसको बनाने की कोशिश की। वैसे तो ये रेगिस्तानी प्लांट कहलाता है, लेकिन अभी अपने इंडिया में सब जगह सब लोग उगाते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चलो बागवानी करें पर। और जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल पर चल रही है कोटा सीरीज़, मैं हूँ कोटा में कवर करने काफ़ी सारे गार्डन्स। इससे पहले मैं जयपुर और बाड़मेर की सीरीज़ भी कंप्लीट कर चुका हूँ, सभी के लिंक आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, आप उन्हें भी ज़रूर देखना। और अभी कोटा सीरीज़ में भी मैं काफ़ी सारे गार्डनर्स के घर पर जा रहा हूँ, बैक टू बैक 15 से 20 गार्डनर्स की वीडियो आपको देखने के लिए मिलने वाली है। तो चैनल पर यूँ ही बने रहे, फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बने बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि गार्डनर्स की रील्स भी आ रही है वहाँ पर, और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें ताकि आपको पता चल अभी मैं कौन से गार्डन में हूं। मैं बार बार लाइव जाता रहता हूं, जब भी गार्डन में जाता हूं तो आपको अपडेट मिलती रहती है। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाले हैं, तो फॉलो जरूर करिए। फिलहाल मैं हूं शवाना प्रवीण जी के साथ, जिनका एक वीडियो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। आज का वीडियो है एडेनियम्स के ऊपर। बैकग्राउंड में देख रहे हैं कितना सुंदर एडेनियम है, ऐसे ही काफी सारे एडेनियम का कलेक्शन है मैम के पास। सारे के सारे एडेनियम मैं आपको दिखाने वाला हूं, तो वीडियो में बने रहे, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताई जाएंगी। और साथ ही में मैम के साथ भी मैंने रील्स बनाई है जो कि इंस्टा पे आ रही है, तो आप उसे भी जरूर देखना। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं आपको एडेनियम्स के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। एडेनियम्स वैसे तो ये रेगिस्तानी प्लांट कहलाता है, लेकिन अभी अपने इंडिया में सब जगह सब लोग उगाते हैं एडेनियम्स। और एडेनियम्स को ज़्यादा तो नहीं, ये बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है, इसको ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती, बहुत कम पानी में चल जाता है। इसमें बहुत वेराइटीज़ आती हैं। इनको सबसे ज़्यादा अपन को इनकी केयर रेनी सीज़न में करनी पड़ती है। रेनी सीज़न में इनको पानी से बचाना बहुत ज़रूरी है। पानी से ही सबसे ज़्यादा ख़राब होते हैं, वरना इनमें कोई दिक्कत नहीं आती। अपने समर में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेंगे, ये विंटर में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेंगे, बस थोड़ा बारिश में इनका ध्यान रखना पड़ता है, इनको ओवर वाटरिंग से बचाना पड़ता है। अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा कलेक्शन तो नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत कलेक्शंस हैं, वो आप देख लो। ये मैं थोड़ा सा इसको नया लुक देने की कोशिश कर रही हूँ, इसको नया शेप देने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसे मैंने दो एक और बना रखे हैं, आइए इधर दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये छोटा सा बनाना अभी स्टार्ट किया है इसको मैंने। वाओ, तो ये एडेनियम का केज बन रहा है। जी, ये अभी स्टार्टिंग स्टेज में है। एक ये ट्विस्ट वाला बना रही हूँ, ये भी अभी स्टार्ट ही है, धीरे धीरे आ जाएगा वो अपने शेप में। इसमें कितने प्लांट को यूज़ किया मैम? ये तीन है। तीन प्लांट इसमें यूज करें, और ये सिंगल प्लांट की पेटल्स को ही आपने किया है? सिंगल है जी। मतलब पॉसिबिलिटी दोनों तरह से है। हाँ। दोनों तरह से हम बना सकते हैं जी। और फ्रेंड ये मैच्योर होके कैसा लगता है, ये भी अभी आपको हम आगे वीडियो में दिखाने वाले हैं, तो वीडियो में आप बने रहे। एक ये इसमें भी कोशिश की थी ये बनाने की, लेकिन ये थोड़ा सा, ये पहली बार बनाया था मैंने तो ये थोड़ा सा इसमें ये आ गया, ये झुक गया, वरना ये स्ट्रेट रहता तो ये बहुत खूबसूरत लगता है ये जी। ये मेरे एडेनियम्स के कुछ कलेक्शन से, ये बहुत अलग अलग वेराइटीज़ हैं। ये स्वाजिकम है, वाइट वाला है, ये मैरून है, ये कुछ बहुत, ये मेरे ज़्यादा पुराना तो नहीं है, लेकिन इसका कॉडेक्स बहुत अच्छा हो गया है, ये बहुत ही सुंदर। ये मेरा ज़रूर पुराना प्लांट्स है, ये बहुत पुराना प्लांट। कितना पुराना है मैम? ये हो गया अगर इसको 8 साल तो हो गए, 8 साल हो चुके इस प्लांट को। ये मैंने ग्राफ्टिंग करके, ये ग्राफ्टिंग करी है मैंने खुद ने करी, ये तीन कलर करे इसमें। कौन कौन से कलर है? एक में डायमंड रिंग है, एक में वाइट है, और एक ये अभी नया करा है मैंने, ये येलो कलर है। बहुत ही सुंदर। और अगेन फ्रेंड देखिए पुराने वाला इनका एडेनियम कितना सुंदर लग रहा है, कोडेक्स देखिए कितना सुंदर है, और फ्लॉरिंग तो अपने आप में ही बहुत ही सुंदर है। संदीप जी अब देखिए अपना नीचे आ गए अपन, अपना ये मेरे एडेनियम्स के थोड़े से बड़े प्लांट्स हैं। ऊपर तो आपने देखे थे वो छोटे कटिंग्स वगैरह थी जी, ये कुछ बड़े कलेक्शन। ये मैम का है फ्रंट यार्ड, देख सकते हैं फ्रेंड बहुत ही सुंदर लग रहा है। और इसी के बगल में मैम ने क्यारी के साथ साथ काफ़ी प्लांट लगाए हैं, जिनमें ये एडेनियम जो है मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, बहुत ही अच्छे ब्लूम पर है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ये कब लाए थे मैम प्लांट इसको? 10 साल हो गया करीब।
वाओ, मतलब जब यहाँ पे आप शिफ्ट हुए थे तभी लेकर आए थे? जी, तब से है ये मेरे पास। इसको मैंने थोड़ा ट्री शेप में इसको बनाने की कोशिश की है, बाकियों को तो फिर भी अपन कटिंग करके प्रूनिंग करके बुश शेप देते हैं शेप। इसको मुझे ट्री शेप बनाना था, ट्री की तरह। आपने देखिए कितना लंबा कर दिया, मैंने इसका ट्रंक लंबा रखा है। वाओ, कोडेक्स भी बहुत सुंदर लग रहा है इसका। इसका कोडेक्स है, अमेजिंग। तो न्यूट्रिशन की बात करें मैम, तो क्या क्या डालना चाहिए हमें एडेनियम में? एडेनियम तो बहुत हैवी फीडर रहते हैं, इनको अच्छा फीड चाहिए जी। इनको बोन मील चाहिए, इनको बहुत लीफ कंपोस्ट वगैरह चाहिए। तो इनके सॉइल मिक्सचर में बोन मील होना चाहिए, लीफ कंपोस्ट होना चाहिए, डीएपी डालना चाहिए हमें? डीएपी होना चाहिए, डीएपी भी डालना चाहिए। बिल्कुल, वर्मी कंपोस्ट डालिए आप, गोबर की खाद मत डालिए ज़्यादा। और आजकल तो वैसे भी कई लोग सिंडर वगैरह में भी उगाते हैं, मैंने नहीं किया वो एक्सपेरिमेंट। मेरे मिट्टी में ही बहुत अच्छे चलते हैं, तो मैं मिट्टी में चलाते हैं। तो कोटा में यहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी है, मिट्टी में ही बहुत अच्छे चलते हैं मेरे तो। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे बैक टू बैक फ्लॉरिंग हो रही है, और सभी में मैं देख रहा हूँ अलग अलग कलर्स आपको नजर आ रहे हैं फ्रेंड, बहुत अच्छी फ्लॉरिंग है। कोडेक्स भी आपको सभी के सुंदर नजर आ रहे हैं। ये कटिंग से लगाया होगा मैम? ये मैंने ग्राफ्ट किया, ग्राफ्ट किया हुआ है। इसमें अभी बस फ्लावरिंग अभी नहीं है, आने वाली है। नाइस। एक ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये मैंने आपको ऊपर दिखाया था, छोटा था, तो उसको कैसे अपन शेपिंग देना शुरू करते हैं, ये बड़ा हो गया, ये शेप कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये कितना पुराना मैम? इसको भी हो गए कम से कम 7-8 साल तो इसको भी हो गए। मतलब अभी आपने जो ऊपर हमें केज बनाना सिखाया, अगर हम 7-8 साल तक ग्रो करते रहे तो हमें कुछ ऐसे रिजल्ट मिलेंगे। ये इसमें पेशेंस चाहिए, पेशेंस चाहिए जी। और ऊपर मैं देख रहा हूँ कि मैम पूरा बॉल बन चुका है, कैनोपी बहुत अच्छी है, तो इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। बहुत अच्छी फ्लावरिंग। अभी बस कलियाँ आ रही है, वापस भर जाएगा। ये एक और मैं बना रही थी, इसमें डबल केज थे। अच्छा, दोनों तरफ डबल थे, लेकिन वो क्या, वो ये फेलियर्स भी चलते रहते हैं साथ में जी। तो इसमें वो एक आध स्टेम रॉट हो गई, तो फिर वो शेप बिगड़ गया, तो फिर मैंने एक तरफ का पूरा कट करके ये सिंगल ही रहने दिया। वाव, ये भी मैंने खुद ग्राफ्ट किया था। ये ग्राफ्ट, अच्छा, ये ग्राफ्ट किया हुआ है, ये ग्राफ्ट किया हुआ है, वो मदर प्लांट है, ये ग्राफ्ट किया हुआ है। अच्छा, वहां से इस पे ग्राफ्टिंग हुई है। ये देखिए कलर्स, देखिए फ्रेंड कितने सुंदर कलर हैं ये सारे के सारे, बहुत ही सुंदर। और ज्यादातर वैरायटी मैम देख रहा हूँ आपने अरेबिकम और ओबेसम ही लगाए हैं दोनों, है ना? जी जी, ज्यादा मेरे पास है शोजिकम और क्रिस्पम है। ये शोजिकम है, ये डायमंड रिंग है, डायमंड रिंग है ये जी। नाइस। एक ये देखिए, ये डार्क ब्लैक में है। क्या नाम है इसका मैम? इसका मुझे प्रॉपर नाम तो मुझे आइडिया नहीं, मुझे इनकी आईडीज वगैरह में ज्यादा नहीं याद रखती। ब्रांड इसका भी कोडेक्स बहुत सुंदर है, फ्लावरिंग देखिए बहुत ही अमेजिंग है। फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो? वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। आज की वीडियो में शवाना जी ने आपको एडेनियम्स पे काफ़ी कुछ बता दिया है। इसके अलावा अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो नीचे कमेंट करके पूछते रहें, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। फर्स्ट टाइम चैनल पे आया तो आपको बताना चाहूँगा, मैं ऐसे भारत के अलग अलग गार्डनर्स के घर पर जाता हूँ, उन सभी की वीडियोज़ मेरे चैनल पर आती रहती हैं। और अभी भी काफ़ी सारे गार्डनर से मिलने वाला हूँ कोटा में, कोटा सीरीज़ बहुत लंबी चलने वाली है, तो चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो उसे भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारी रील्स भी आ रही हैं इंस्टाग्राम पर, और फेसबुक पेज पर लाइव भी जा रहा हूँ जब भी किसी गार्डन में जा रहा हूँ। तो अगर आप अपडेट लेना चाहते हैं अभी कहां पे शूट कर रहा हूं, तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, सभी के लिंक आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलता हूं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। आप इसमें देखेंगे मनी प्लांट के अंदर, ये जूट की रस्सी से जी ये हमने पूरा ये जाल बनाया हुआ है। वाओ, प्लांट तो मोस्टली यहाँ जितने प्लांट लग रहे हैं उनमें से मैक्सिमम प्लांट तो हमारे खुद के डेवलप करे हुए हैं, मतलब कटिंग से या किसी चीज से। तो इनको 3 गमलों के अंदर गोलाई में लगाया था हमने, फिर उसके बाद का रिजल्ट आपके सामने है।